अच्छा, हम लोग आज एक्सेल से रिलेटेड बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। तो ये क्लास तो ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े अपने बारे में बता देता हूँ कि हमारा कौन सा चैनल है और आप कैसे पहुँचेंगे। आप YouTube में जाइए। YouTube में जाने के बाद यहाँ पे सर्च बार में लिखिए अपरिचित जून। यहाँ करने के बाद ये जो आइकॉन आएगा ए, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ जो लाल रंग का बटन देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन वाला, इसको आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने मेल, अब मेल अपना ये जीमेल आईडी से आप लॉगिन करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, जब भी आप हमारे चैनल में जो भी अपलोड होगा नया नया वीडियोस, नया नया ट्रिक्स, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप अपडेट हो जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए एक सीट है स्टूडेंट मार्क्स सीट, कितना ऑप्टेन किया है और किसको कितना कितना परसेंटेज मिला है। तो हम पहले से एक डेटा बना दिए हैं, डेटा पहले से बना दिए हैं ताकि वक्त बर्बाद ना हो। तो यहाँ पे नेम है और यहाँ पे सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है। यहाँ टोटल 700 का टोटल पेपर था और कितना मार्क्स ऑप्टेन किया है और उसका परसेंटेज क्या है और क्या स्टेटस है, ये हम लोग तीन चीज़ यहाँ सीखेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मैथ, साइंस और हिस्ट्री, जियोग्राफी में कितना लाया है, हम लोग सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, कितना मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन दीजिए और माउस से जाके क्लिक कीजिए। देखिए हाईलाइटेड हो गया, मैंने सेलेक्ट हो गया, बस क्लिक करते जाना है। प्लस का साइन दीजिए, क्लिक कीजिए। या देखिए यहाँ प्लस का साइन आते जा रहा है, प्लस का साइन, क्लिक, प्लस, क्लिक, प्लस, क्लिक, प्लस, क्लिक। तो टोटल ये आ गया, बस इंटर के दिए, टोटल मार्क्स यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है, अभी हमको देखना है यहाँ टोटल मार्क्स आ गया। अब यहाँ से आप ड्रैग कर दीजिए। अब ये वाला जो है सब सीरियल वाइज ही सजा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ और ऐड कर लेते हैं तो समझने में सही होगा। जैसे मान लिया यहाँ से इसको उठाते हैं, कट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ से मान लिया कोई स्टूडेंट होगा, ये स्टूडेंट है, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और इसमें थोड़ा सा तो थोड़ा ज़्यादा स्टूडेंट हो गया। अच्छा, अभी ठीक है, ऊपर नीचे है। तो ये वाला करना क्या था यहाँ, अब यहाँ देखिए, देखिए यहाँ 579 है और यहाँ पे 515, माने ऊंचा नीचा है, असेंडिंग डिसेंडिंग कोई भी अरेंज वे में नहीं है। अब यहाँ पे जाके हम लोग पहले परसेंटेज निकालते हैं, परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज का क्या फार्मूला है, परसेंटेज का फार्मूला है इक्वल टू पहले लगाना। कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हमको इक्वल टू लगाना होता है, तो इक्वल टू हम लोग लगा लेते हैं। और यहाँ पे टोटल, माने टोटल मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स इनटू 100, यही है। तो टोटल ऑब्टेंस मार्क ये है, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इनटू, माने एस्ट्रिक का साइन, उसके बाद 100, बस इंटर कर देना।
अब यहाँ से इसको पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ स्टेटस दिखाना है। स्टेटस क्या दिखाना है? स्टेटस में दिखाना ये है कि अगर कोई 400 से ज़्यादा मार्क्स लाता है तो वो पास है, और जो जिसका 400 से नीचे होगा वो फेल होगा। ये हम लोग को यहाँ पे सेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इक्वल टू का साइन, यहाँ पे एक फार्मूला है इफ़, IF, उसके बाद ब्रैकेट को बंद। तो किसका 400, जितना भी मार्क्स लोग ऑप्टेन किया है उसी का। तो ये लेस देन ग्रेटर देन 400 हुआ, कॉमा देन माने कॉमा, तो क्या होगा? इन्वर्टेड ये वाला को ना डबल डबल कॉमा, उसके बाद पास डबल कॉमा, फिर कॉमा लगाइए नीचे में, और बाद बाकी जो होगा वो फेल, ठीक है। और यहाँ लास्ट में जाके ब्रैकेट को बंद कीजिए। देखिए 400 से ज़्यादा था इसका, इसलिए पास है। और नीचे में चलते हैं, पास यानी कि ये वाला ये पास है, ये पास है, ये पास है, फेल कौन है? ये जो 400 से कम है, भी 400 से कम है, और कौन फेल है? ये भी 400 से कम है। इस तरह से हम लोग इफ़ फार्मूला यहाँ पे लगा के देख सकते हैं। और एक लास्ट बात है, सबसे ज़्यादा मार्क्स किसका आया है वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे। तो इसको हम लोग करते हैं सॉर्टिंग। तो यहाँ से पूरा डेटा पकड़िए, पकड़ने के बाद यहाँ देखिए होम है, इंसर्ट है, पेज है, फार्मूला है, डेटा। तो डेटा में जैसे आइएगा वहाँ पे एक सॉर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, सॉर्ट, ठीक है। तो सॉर्ट वाला जैसे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ये वाला बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे सॉर्ट बाय कैसे करना है? तो सॉर्ट बाय परसेंटेज में करना है कि स्टेटस में करना है? तो हमको मार्क्स के ऊपर करना है, यानी कि मार्क्स ऑप्टेन, मार्क्स मार्क्स सबसे ज़्यादा कौन ऑप्टेन किया है, उसके बाद वो कैसा है वैल्यू होता है उसका, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नहीं हमको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट चाहिए। तो ये करके इंटर कर देते हैं। तो अब देखिए नाम के साथ सब आ गया। देखिए नाम के साथ आपको सब मिल गया, सबसे ज़्यादा 759 और सबसे कम 349। तो इस तरह का बहुत सारा टिप्स लाते रहते हैं छोटा छोटा मसला को लेके, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट से रिलेटेड। आप सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।